मेरा नाम उमेर है और आज हम बात करेंगे जो लकी सीमेंट की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की हाइलाइट्स हैं, उनमें जो की पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2022 और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग जो थी उसके अंदर लकी सीमेंट या सादा जुबान में जो लकी ग्रुप है उसके अपने थोड़े से जो उसके की पॉइंट्स थे उसके बारे में थोड़ा सा बताया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उनके जो प्रॉफिट्स थे दैट फेल डाउन बाई 18%। ठीक है, टोटल ओवरऑल, और इनका जो ईपीएस था वो भी ड्रॉप हुआ। ओब्वियसली जब प्रॉफिट्स ड्रॉप होंगे तो अर्निंग्स पर शेयर भी ड्रॉप होती हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इसके जो मेरा ब्रोकर है दे आर उनकी जो रिसर्च टीम है वो स्टिल दे आर सेइंग कि लकी सीमेंट 2023 तक 900 का शेयर प्राइस अटेन कर सकता है, और दे आर अगेन सेइंग कि ये पॉसिबल है और हम इस बात को दोहराते हैं। ठीक है, वी रिट्रिएट, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई डोंट थिंक सो कि 900 तक जाएगा, थोड़ा नीचे नीचे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के हाइलाइट्स के ऊपर बात करें तो जो मैनेजमेंट थी उसने पहले तो ये कि जो इनका बेसिकली एक्सपेंशन प्लान था कि 3.1 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है, जो इनका सीमेंट का एक्सपेंशन है वो इनकी इस दिसंबर में, इस साल के दिसंबर में ऑनलाइन आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात होगी, जो इनकी कैपेसिटी टोटल हो जाएगी अराउंड 15.3 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगी। सही है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। अच्छा, और दो क्योंकि आफ्टर द फ्लड्स आपको आगे पता है क्योंकि सीमेंट की डिमांड में फ़ौरन सडन राइज आने वाला है, तो ऑब्वियसली कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज वेल, और उसने काफ़ी पहले ही एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी थी, तो बहुत ये इसके कंपनी को बहुत ही गोल्डन टाइम मिल जाएगा। दूसरा, इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात की जाए क्योंकि फ्लडिंग की वजह से जो लकी का डोमेस्टिक सेगमेंट था वो 26% डिक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो मार्केट शेयर है अराउंड 15% है इस वक्त भी डोमेस्टिक यानी पाकिस्तान के अंदर अंदर। एक्सपोर्ट फंड की बात की जाए तो लकी का ज़्यादा कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो जो मार्जिन था उसमें भी थोड़ा सा डिक्रीज़ आया है, उसमें 45% का डिक्लाइन आया है, और उनकी जो टोटल जो रह गया है एक्सपोर्ट का मार्जिन वो 0.3 मिलियन मेट्रिक टन्स है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है ना इनके तकरीबन सभी वेंचर्स के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, वो बढ़ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेगमेंट, पावर सेगमेंट के अंदर, ठीक है, उसमें आपके पास तकरीबन देखा जाए तो इट वाज अराउंड 4.7 बिलियन पीकेआर्स, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सही है, और 78% का इनका जितने भी तकरीबन वेंचर्स थे उनके अंदर उन्होंने कहा है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ आया है। ठीक है, लेकिन सबसे गंदा सीन इनके साथ ये है, या सबसे बुरा सीन इनके साथ ये देखा जाए कि उनका जो प्लांट है उसकी अवेलेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, तो ओनली 78.4% ऑफ द टाइम ये अवेलेबल था, जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो इससे भी मज़ीद हायर हो सकती थी, पर वो नहीं हो पाई ड्यू टू सम इशूज़। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो लकी का है उसका, क्योंकि गैस प्राइसेस आपको पता है पाकिस्तान के अंदर वो सडन राइज आया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लकी ग्रुप क्या कह रहा है कि इट विल इंक्रीज इट्स सोलर कैपेसिटी। ठीक है, 60 मेगावाट तक लेके जाएगा, इट्स अ गुड थिंग क्योंकि इट्स लाइक अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वंस आप जब भी एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हो उसके बाद आप जस्ट कमाते ही हो सोलर से। तो ठीक है, अगर इंटरनेशनल वेंचर्स की बात की जाए तो दिस इज़ बेसिकली अर्निंग्स बिफोर टैक्सेशन एंड स्टफ जो होता है ना, वो वाला है EBITDA जो है इनका। जो इंटरनेशनल वेंचर्स है उसमें भी कुछ ड्रॉप्स आए हैं, जैसे कि इराक के अंदर जो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके अंदर 45% ऑफ जो है ना, सॉरी 32% का ड्रॉप आया है, कॉन्गो वाली में 8% का ड्रॉप आया है, इराक वाली के अंदर 45% का आया है। ठीक है, सॉरी, ग्राइंडिंग फैसिलिटी जो है उसके अंदर 45, मतलब ये इंटरनेशनल वेंचर से कोई खास उस पर प्रॉफिट नहीं आया, इस बार जो इनको रियल प्रॉफिट्स आए हैं वो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अच्छा, क्योंकि पोस्ट फ्लड डिमांड्स रेज होंगी एंड दैट्स नो डाउट के होगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, प्लस इसकी जो एक्सपेंशन फैसिलिटी है वो भी दिसंबर तक ऑनलाइन हो जाएगी, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो प्राइस वार है वो नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द इनकी जो मैनेजमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन्स ही इतने हायर कर दिए हैं कि कोई और कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जाएगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लाइक 15% का तो बेसिक स्टेट बैंक ने लगाया हुआ है, तो उसके बाद जब काइबोर वगैरह टोटल जगह 17-18% तो नॉर्मल एक कार फाइनेंसिंग हो रही होती है, तो कंपनीज़ को लोन्स लेना बहुत हाई हाई रेशियोज़ पे लेने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना कंपनीज एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रही हैं। ठीक है, इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि प्राइस वार नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री के डेप लेवल्स इतने हाई हैं कि आप कोई और बंदा आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई रहेंगे। तो ये छोटी सी इनकी
जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी उसकी हाईलाइट्स हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 के लिए, ठीक है, एंड थोड़ा सा कंपनी का आउटलुक था. तो दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.